मुकदमे से अपना नाम कैसे निकलवाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, मुकदमे से अपना नाम निकलवाने का मतलब यहाँ पर है कि यदि कोई घटना घटित होने पर कोई रंजिश के चलते आपको उस मुकदमे में संबद्ध करके एफआईआर में आपका नाम दर्ज करवा देता है और आप निर्दोष हैं, आप बेगुनाह हैं, तो आप अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करें और साक्ष्य सबूतों और गवाहों के आधार पर आपका नाम मुकदमे से निकल सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है संपूर्ण प्रोसेस। दोस्तों, जब कोई गंभीर घटना घटित होती है और उसकी सूचना किसी व्यक्ति के माध्यम से पुलिस को मिलती है तो पुलिस फौरी तौर पर सबसे पहले एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। दोस्तों, एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस को घटना से संबंधित बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो अभी हुई ही नहीं है। अभी वादी मुकदमा अर्थात जिस व्यक्ति ने एफआईआर पंजीकृत करवाई है उसकी दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस मामले की एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। दोस्तों, घटना का एक विवेचक नियुक्त किया जाता है जो घटना की विवेचना करता है। विवेचक घटनास्थल पर जाता है और घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाता है और जो भी गवाह होते हैं उनके बयान दर्ज करता है। साक्ष्य सबूत और गवाहों के बयान लेकर एक पत्रावली बनाता है जिसको आरोप पत्र या फिर चार्जशीट कहते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब विवेचक द्वारा चार्जशीट बनाई जा रही हो तब आप विवेचक को अपनी बेगुनाही के सबूत दे सकते हैं। यदि आप वास्तव में बेगुनाह हैं तो आपका नाम आरोप पत्र से विवेचक निकाल देगा। दोस्तों, यहां पर याद रखें कि मूल प्रपत्र यानी कि अपनी बेगुनाही के मूल प्रपत्र बेगुनाही के ओरिजिनल सबूत विवेचक को न दें बल्कि अपनी बेगुनाही के सबूतों की एक कॉपी अपने पास ही रखें। दोस्तों, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि अपोजिट पार्टी से पुलिस मिल गई है और आपको गिरफ्तार कर सकती है या फिर आपका नाम मुकदमे से निकालने के लिए पुलिस आपसे पैसों की डिमांड कर रही है तो आप पुलिस को पैसे बिल्कुल भी ना दें और न्यायालय का सहारा लें। दोस्तों, यदि पैसे लेकर पुलिस मुकदमे से आपका नाम निकालने को कह रही है तो अपोजिट पार्टी हो सकता है आपसे ज्यादा पैसे पुलिस को दे दे। ऐसी स्थिति में आपका पैसा भी जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने वकील के माध्यम से न्यायालय की शरण ले सकते हैं और अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने वकील के माध्यम से अरेस्ट स्टे ले सकते हैं या फिर अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं जिससे आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और उसके बाद जब आपके मामले का ट्रायल न्यायालय के समक्ष शुरू होगा तो आप पर
चार्ज बनाया जाएगा, यानी कि आप पर आरोप बनाया जाएगा। उसी समय अपनी बेगुनाही के सबूतों सहित आप एक उन्मोचन प्रार्थना पत्र यानी कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रथम दृष्टया आप पर अपराध सिद्ध नहीं होता है, आपको उन्मोचित किया जाए। दोस्तों, न्यायालय को यदि यह लगता है कि आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो न्यायालय आपको मुकदमे से उन्मोचित कर देगा और आपका नाम मुकदमे से सदा सदा के लिए हट जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, यदि आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स।